सरकारी योजना लाभ हमारे पास है 0% है, कोई लाभ नहीं मिलता है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के सेखावटी रीजन में। और जैसे कि आप सब जान रहे हैं, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो हर राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेके लोगों के बीच में जा रहा है, लेकिन इस बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात नहीं हो रही है। ऐसा ही एक सवाल है जो राजस्थान के इलाके में जो छोटे किसान हैं, और ख़ासतौर पर क्योंकि इस इलाके में उद्योग नहीं है और किसानी भी एक फसल या एक सीज़न होती है, क्योंकि वो बरसात के आधारित किसानी होती है, तो ऐसे में इनके पास रोज़गार का दूसरा विकल्प नहीं है। तो मनरेगा जो है इनके लिए बड़ा सहारा होता है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से मनरेगा को लेकर कई खबरें आई हैं और मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का क्या सवाल है, उनकी क्या चिंताएँ हैं, बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं और मनरेगा मजदूर से बात करके समझने का प्रयास करेंगे उनकी क्या चुनौतियाँ। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से 125 दिन अब काम देने का वादा किया है और दावा कर रही है, तो क्या उसके दावों में कितनी सच्चाई है और क्या 125 दिन का काम मजदूरों को यहाँ मिल पा रहा है और क्या उनके काम का उनको सही समय पर दाम मिलता है। लोकल काम है जो उसमें कभी मिल जाता है काम, कभी नहीं मिलता है, और काम मिलता है तो थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते हैं, इससे बच्चों का पेट पालन कर लेते हैं। मनरेगा में भी काम करते हैं? जरूर करते हैं। मनरेगा मनरेगा में कितना काम मिल जाता है? नहीं साहब, कुछ नहीं है, लगभग 15-20 दिन काम चलाते हैं ये लोग, उसके बाद में कोई काम नहीं चलाता है। नरेगा तो एकदम बिल्कुल फैलाट है, कागजाम नरेगा जारी है, हटने जारी है। 4 साल हो नरेगा लेने, किसान जागे कि रोड़ो मचाए हो, पंचायत समिति में जागे, जब 2 महीना नरेगा चाली बिंग, बाद में वापस बिने भ्रष्टाचारी में ले ली के बेइंदाज भ्रष्टाचारी ले ली। करा खटू लग गई कोई काम ही नहीं मिलता है, मिलता है तो अब जाती है तो कोई मिल जा तो जाओ ही ले आई कोई लून मिर्च होगा चलो ही कौन करे मारे वही वो गाँव मरी जी। नरेगा का 4 हफ्ता चलिया, 4 मिस्टोल दिए, फिर फर्जीवाड़ा चला दिया, मिस्टोल अनगुप्त करने आ गया, हाँ उसे गुप्त कर लिया, किसानों को फायदा उठावा लग गया। तो काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिलता, कभी मिलता है सर कभी नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल क्या है वो सिस्टम है कि जो लोग है ना जो नरेगा में है वो जो उसको क्या बोलते हैं जो होते हैं ना हाजिरी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ जो बजदारी, वो क्या करते हैं जिसको 150 रुपये दे देते हैं वो क्या करते हैं उसकी हाजिरी लगा देते हैं, जो नाम लिखाता है उसकी हाजिरी नहीं लगाते हैं, जो जाता है उसकी हाजिरी काट भी देते हैं, तो लगा नहीं जाता है ना उसकी क्या करते हैं उसकी 1 पहिया 2 पहिया जैसे विस्की है ना ड्रिंक वो दे देते हैं, 150 रुपये दे देते हैं, उसके वजह से हाजिरी लगा देते हैं, जाता है उसकी कट भी कर देते हैं, वो सिस्टम है इधर। नरेगा में कुछ नहीं है, नरेगा का मैंने पूरा भ्रष्टाचार है, नरेगा का मैंने पूरा भ्रष्टाचार है। नरेगा के अंदर जो आदमी जो नरेगा पर जाता है और जाके बैठ जाता है, जो ऊपर जो पैसा ऊपर जो दलाल है दलाल है ऊपर तक आता है उसका, पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार है। मोदी सरकार के मायने गहलोत की सरकार में पूरा भ्रष्टाचार है। नरेगा में काम है कोई लावे मिस्टोन फर्जी हाजिर लगा दे होते अपने लोगों की फर्जी हाजिर लगा है वो और कुछ नजाद का नाम तो दस जना चाहिए तो बड़ा बड़ा लिखा गया सुहाओ नाम आज भी जाए दस बारह फर्जी हाजिर लगा। हाँ नरेगा में भी करते हैं। नरेगा में कितने दिन काम मिलता है? नरेगा में एक व्यक्ति को 100 दिन मिलते हैं सर। लेकिन यहाँ कितने दिन मिलता है? यहाँ तो वैसे तो एक काम नहीं मिलता है सर, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी भ्रष्टाचारी के कारण से 1-2 हफ्ता लगता है। 1-2 हफ्ता काम मिलता है? हाँ, उसमें पूरा भी नहीं मिलता, वो घर बैठे लोग पैसे खाते हैं ऐसे ऊपर का काम कागज करके। और कोई ज़्यादा कोई इसमें काम नहीं है तो कोई मोटा काम तो नहीं है, मोटा सैलरी नहीं है, जो 24 घंटे काम चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा काम कभी मिलता है तो इधर उधर कर लेते हैं। मनरेगा नहीं मिलने से कितनी दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत होती है साहब, जो गरीब आदमी है तो बहुत दिक्कत होती है, क्यों जैसे मतलब भाई घर चलाने के लिए 2 रुपया तो खर्च करने के लिए जरूरत होती है, लेकिन नहीं मिलता है, क्या इलाज है, खेती बाड़ी में कुछ होता नहीं है। नरेगा का अंदर अब 125 दिन कर रखे, लेकिन 100 दिन होता है वो भी नहीं मिलता है कोई किसान को। आपको कितने दिन काम मिला? बस 40-50 दिन अब लेने लड़के ले आए थे नरेगा में, वो उनके साथ में लड़के उसके लाए, उनके बाद में दोनों नेता इस टाइप के हैं, इन्हें तो बिल्कुल बंद कर दी, कागजों में चल रही है और गरीब जनता रोती रहे उसके और कोई समाधान नहीं है। खेती ऊपर वाला बरसता है तो होती है, नहीं होगी तो नरेगा ये चलाते नहीं है। नरेगा में पूरी साल का मायने नरेगा का मायने सिर्फ 1.5 महीने काम मिला है,
डेढ़ महीने का मिले 70-75 रुपया रोज का आता है, जो वो 6 महीना से 4 महीना अभी तक बहुत आदमी के पास आया भी नहीं है, अभी तक नहीं आया पैसा। काम तो माने तो कह रहे 5-6 घंटा काम तुम्हें एक काम कितने दिनों का मिलता है, मतलब 100 दिन का काम है तो 25 दिन काम मिलना है ना। मिलने मान तो तुरंत मिलो करे कपड़वाजी कोई काम 25 दिन मिले 125 दिन नरेगा में काम नहीं मिलने से मतलब क्या होता है, परेशानी आ रही है, कोई बात नरेगा में काम मिल जाए तो कितनी मदद हो जाएगी, मदद तो मिली है। मुझे बताया था आपका बेटे का कंस्ट्रक्शन का, हाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं अभी, एक तो लग रहे हैं वहाँ साइड पर एक खड़ा ना ये है तो खाली है, ये काम नहीं है इसके लिए। तो अगर मनरेगा मिल जाए समय से बढ़िया होता है सब, बढ़िया होता है, कितनी मदद हो जाएगी आपकी भाई, कुछ न कुछ मदद तो जरूर होएगी, चलो 2-3 महीने का खर्चा वापरेगा वो भी बढ़िया है, आजकल सब शिक्षा पर ही पैसे लगते हैं भाई बच्चों के लिए, भाई कापी है किताब है और मतलब ला के देनी पड़ती है सबको, तो खर्चा तो होता है सब। मनरेगा में आ जाता है गरीब गुंड को सबको दिहाड़ी मिले, हाजिरी मिले, पैसा मिले, हैं जो वो किसान वर्ग है अभी कोई काम नहीं है, हर आदमी बेला बैठे कोई काम नहीं है अभी तक, किसी का काम नहीं है अभी तक है, हैं आदमी बेला बैठा, कोई नरेगा नहीं है, कोई फेका नहीं है, कोई नहीं सुनाई करता ऐसा। तो कंस्ट्रक्शन का जब काम करते हैं तो क्या उनका लेबर कार्ड ये सब बना हुआ? नहीं बनाया। अगर लेबर कार्ड बनवाए और जो कनेक्शन का काम करते हैं तो इसमें क्या है कि हमारे से पैसे मांगते हैं वो लोग, 5,000, 6,000, 10,000 तक मांग लेते हैं, तो हम उसको नहीं बनवा सकते ना, ये बहुत परेशानी देते हैं। अगर वो बन जाने से तो आपको मदद मिलेगी भाई? बनिया तो मदद मिलेगी, मदद बनता ही नहीं है, मदद कहाँ से मिलेगी? नरेगा मिलने से कितनी मदद हो जाती है किसान परिवार के, अगर नरेगा ठीक से अच्छी चले तो घर खर्चा चल जाता है सर। किस मुद्दे पे आप लोग वोट डालेंगे या बात करेंगे? मुद्दे तो सभी चीज़ों के रखेंगे, पर जैसे बिजली है, पानी है, नरेगा है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, पर मुझे नहीं लगता कोई करेगा, पहले कोई करेगा, लेकिन आप लोग इस पर बात करेंगे। हाँ। जैसा कि आपने मनरेगा मजदूरों से सुना और ये अधिकतर मनरेगा मजदूर तारानगर विधानसभा क्षेत्र के ही थे जिसमें आप इनसे बातचीत का सुना, और यही हाल लगभग हर विधानसभा में और हर इलाके में राजस्थान में देखने को मिलता है। मनरेगा एक बहुत अच्छी स्कीम है जिससे जो छोटे किसान हैं उनको अपने आर्थिक रूप से और काम करने में या मदद मिलती है, लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर भ्रष्टाचार है और काम नहीं मिल पाता, सरकारें नीति तौर पर बोलती हैं 25 दिन काम देने को देना है इसके तहत, लेकिन गांव ग्रामीणों जैसे बताया जो उनको मैक्सिमम 20-25 दिन 30 दिन बहुत अधिक तो 50 दिन तक का काम मिल रहा है, और आमतौर पर वो भी नहीं मिल रहा, इसके अंदर ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कई स्तर पर काम हो रहा है, जैसे भ्रष्टाचार के लिए जो लोग काम नहीं करते मनरेगा में उनका जॉब कार्ड दिखाया जा रहा है, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं दिया जा रहा है, और जो इंसान जो मजदूरों के साथ काम होने वाला था उसको मशीनों के द्वारा करा के और उसका पैसा जो फेक तरीके से इसमें इनरोल किए गए लोग हैं मनरेगा में उनको तक पहुंचाया जा रहा है, और इसके एक भ्रष्टाचार तंत्र बना है, जो लोग इसके सही में लाभार्थी होने चाहिए थे उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा है। और लेकिन हालांकि सबसे बड़ी गंभीर बात यह है इस पूरे चुनाव में ये मुद्दा कहीं बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो अब ये देखना होगा आने मतदान के समय तक क्या ये चुनावी मुद्दा बनता है या कोई पार्टी इस पर बात करती है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ की।